वंदे मातरम। वादा किया था, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कंफ्यूज और बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट किए गए हैं। सबसे पहले, इससे पहले हम पूरा वीडियो एक्सप्लेन करें जो पैलेस्टाइन इजराइल का है, दो चीज क्लियर करना है। नंबर एक पे ये क्लियर करना है सबके लिए कि मेरा पक्ष बहुत क्लियर है, मासूम चाहे पैलेस्टाइन के हों, चाहे फिलिस्तीन के मासूम हों, बच्चे हों, बूढ़े हों और वहां की औरतें हों, चाहे इसराइल की हों, इनका किसी भी प्रकार से जो हमला किया जा रहा है, इनकी जो हत्याएं की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि मेरा पक्ष आपको, और ये मैं सीधे बोलता हूं, देखो आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा मत करो, आप सबसे पहले अपने पक्ष निर्धारित करने के लिए मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? क्योंकि आधा पक्ष इधर हो गया है, आधा इधर हो गया है, कोई नेता कुछ बोल रहा है, कोई नहीं। तो पहले समझो, आज से मत समझो इसका इतिहास। दूसरी बात, इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, बहुत सारे लोग जो मेरे पिछले वाले वीडियो पे जो वायरल गया, जो बहुत ज्यादा उसके व्यूज और कमेंट्स और ये सब बहुत देख, तो मेरी टीम ने बताया, जो मैंने फिर उसके बाद पढ़ा भी, सीधा सा है जो कह रहे हैं कि मणिपुर वाले मुद्दे पे ऐसा है, चरस गांजा बंद करो। और पहले जो मैं कर चुका हूं ना, पहले जब तक एक बार सर्च तो कर लिया करो जिस मुद्दे पे आप बोल रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने दो बार बोला, एक बार आप जैसे सब लोगों ने उसको रिपोर्ट करके उतरवा दिया, और दूसरी बार जो किया वो अभी भी है, देख लेना उस पर। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है जो उस पर व्यूज डले हुए हैं 2-3 मिलियन, वो 25-30 लाख लोग कौन है जो ये देख चुके हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए चुप रहना बंद करो, बात करना शुरू करो। अब आते हैं, दो पक्ष बट चुके हैं, एक है इसराइल के पक्ष में, एक दूसरा जो है जो फिलिस्तीन के पास जो पक्ष में है। अब अपन पुरानी बात करते हैं, पहले आपको इतिहास समझना पड़ेगा। इतिहास क्या है? इतिहास आज से नहीं, इकलौती ऐसी जगह है, ये वाला जो हिस्सा है, एक पार्ट है, आपको पता ही है बिल्कुल कॉर्नर में, ठीक है? आप एक सागर के बाजू की एक ऐसी जगह, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के भी और पहले, इकलौती ऐसी जगह है, आपको यह समझना पड़ेगा, जो यहूदियों के लिए, जो क्रिश्चियंस के लिए और जो मुस्लिम्स के लिए, ये तीनों के लिए, अरब्स, ज्यूस एंड क्रिश्चियंस, इन तीनों के लिए इकलौती ऐसी जगह दुनिया में जिसका एक अपने आप में एक बहुत महत्व है, जिसका एक अलग ताकत है, जिसको कहा जाता है धार्मिक रूप से भी अगर माने सभी संप्रदायों के लिए तो वो भी बड़ी बात है, स्ट्रेटेजिकल भी बहुत जरूरी है। अब चलते हैं कि शुरुआत कहां से हुई। आपको यह समझना पड़ेगा कि पूरा का पूरा शुरू हुआ था, आप चलिए 1000 BC से ही अगर हम बात कर लेते हैं, वहां से बहुत सारा इतिहास है। आप गूगल पे, मैं क्या करूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देता हूं इस वीडियो के, आपको जितने विकिपीडिया पेजेस हैं, चाहे आर्टिकल्स हैं, चाहे रेफरेंसेस हैं, आप खुद पढ़ लीजिए, अपनी राय बनाने के पहले अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, किसी के भड़कावे में मत आइए। बहुत सारे लोगों को लगने लगा कि ये पूरा का पूरा, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बात चल रही है, बहुत सारे वो मुद्दे हो गए, समझ तो लो। कई लोग तो इतने बेवकूफ है कि वो ये कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान ने, जो पाकिस्तान ने ये करवाया है, जिससे हिंदुस्तान के रिश्ते बिगड़े इसराइल के साथ, तो चीजें। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि जब ये इतना महत्वपूर्ण था, फिर ऑटोमन एम्पायर की जो हम बात करते हैं, उसमें उस्मान वंश से लेके, आप पहले उस्मान को पढ़िएगा, उसके बाद फिर अगर आप नीचे आते जाते हैं उसकी जो कैटेगरी, आप फिर उसके बाद मोहम्मद सिक्स जो था, जो लास्ट इनका जो राजा था, जहां से ये चीजें फिर जो बदली है, पूरा का पूरा जियोग्राफी बदली है। तो आपको यह समझना है, इस पर रिसर्च कर लें जितने मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, बाकी मैं लिंक भी दे दूंगा। अब पक्ष और विपक्ष पे, जब क्या हुआ, इस बीच में हम बात कर रहे हैं 1299 जहां से स्थापना हुई, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर की। फिर उसके बाद अभी चले जाते हैं हम 1900 तक, बेसिकली 1897 तक चले जाते हैं, 1897 तक, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि युद्ध के आसार बन जाते हैं, और पूरी तरफ, क्योंकि जो ज्यूज थे, जो यहूदी थे, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा नरसंहार, हिंसा चली रही थी, वो आपको भी पता है, नाजीज के बारे में पढ़ लीजिएगा, जर्मनी का एक एंगल अलग है, ब्रिटिश का एंगल अलग है इसमें, तो ये सब हो रहा था वहां। और मैं जबकि बात कर रहा हूं, जब ये देशों के नाम अलग थे, ठीक है, मतलब ये स्टेट ऐसे राज्यों की बात नहीं, ये एम्पायर हुआ करते थे, जैसे एक ब्रिटिश एम्पायर अलग थी, अलग अलग एम्पायर की बात चल रही थी, ठीक है। अब यहां पर हम आ जाते हैं, कहां पर हमारा ईयर हो गया, मान लीजिए आप 1900 में आ गए। अब जब 1900 में क्या होता है कि 1914 जबकि वर्ल्ड वॉर शुरू होती है, जो वर्ल्ड वॉर वन, जो विश्व युद्ध प्रथम जब शुरू हुआ, तो वहां से आपको यह समझना पड़ेगा कि ब्रिटिश को समझ में आ गया था कि यहां पर ब्रिटिश की दो आईपी पॉलिसी है, बहुत ध्यान से रखना, जो 1947 में, मैं आपको बाद में बताता हूं। ब्रिटिश ने क्या किया, उनने सोचा कि अरब्स को भी हमारे साथ ले ले, लेकिन उस समय तक क्या हो गया था, जो यहूदी थे पूरी दुनिया के, उनने
जो जायोनिज्म जो है वहां से वो शुरू इसलिए हो गया था कि यहूदियों के लिए पूरी दुनिया में कोई घर नहीं बचा था। मतलब जैसे हिंदुओं के लिए है, सनातनियों के लिए वो भारत है, हमेशा से सनातन भारत उस समय हुआ करता था, जिसको सनातन भारत बोलते थे, जिसको अखंड भारत बोलते थे। फिर उसके बाद जैसे अरब्स की बात चल रही तो अरब्स के लिए अलग था वहां पर, ठीक है, सुल्तानेट उनका सुल्तान हुआ करता था। और इसके पहले इसी बीच में क्या चल रहा है, एक और एंगल कौन सा चल रहा है, एक और एंगल चल रहा है ईरान का, उम्मैद खलीफा वाला चल रहा है, मोहम्मद बिन कासिम वाला चल रहा है, तो एक एंगल ये चल रहा है। इसी बीच में क्या हुआ हमारे इधर पे, हमारे इधर जो एक दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य सिखों का साम्राज्य हमारे जो हुआ, फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य हुआ, तो ये सब इस समय चल रहा है। जो यहाँ पर राजपूतों का जो साम्राज्य, फिर आप उसमें से जो दो हिस्से बड़े मेन क्षत्रियों के जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर जिसको हम कहते हैं मेवाड़ सल्तनत, तो राजा दाहिर आते हैं, फिर इसी बीच में क्या चल रहे हैं, फिर उसके बाद बप्पा रावल साहब आते हैं, फिर उसके बाद महाराणा प्रताप साहब का टाइम आता, छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम आता, तो ये सब भी चल रहा है, एक अलग है। लेकिन उस वाले रीजन में क्या चल रहा है, ये चल रहा है अखंड भारत में। ये कहां पर चल रहा है, अखंड भारत में। और इसी समय पर वहां पर क्या चल रहा है, यही मारकाट चालू थी, क्योंकि दुनिया में पूरे ताकत के लिए होती है भाई, जमीन के हिस्से की वही है ना, जर जोरू जमीन, जो तीन वर्ड है उसी के पूरे झगड़ा है, ठीक है। तो आप इससे पहले कोई निर्णय लें, समझ लें इसको, ठीक है। मेरी बात तो बिल्कुल मत माने, अपनी रिसर्च करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें। और जो चर्सी गर्दुल्ले, जिनको बुद्धि का उपयोग नहीं करना, देखो उनको बस बुद्धि होती है, चर्सू गर्दुल्ले नहीं होते, तो उनको छोड़ देते हैं अपन, ठीक है। तो अभी मैटर क्या आता है, हम भारत विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध होता है, अब टर्क्स का युद्ध, ब्रिटिश टर्क्स वाली जो बात करते हैं, यहाँ पे इजिप्ट का एक अलग गेम चल रहा था। तो वहां पर ये हुआ कि यार यहूदियों को भी लालच दिया गया, लेकिन उसके पहले किसको लालच दिया गया वो समझो, यहूदी बाद में आए हैं, पहले लालच किसको दिया गया, अरब्स को। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश ने बहुत सिंपल सा किया, उनने कहा कि एक काम करो, आप हमारा युद्ध में साथ दो, जिस दिन हम युद्ध जीतेंगे, किसको, ऑटोमन एम्पायर को हरा देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम तुमको एक अरब राष्ट्र बना के देंगे। कहां से रायता शुरू हुआ, कहां से पूरी गड़बड़ शुरू हुई, जब अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने ये प्रॉमिस किया किसको, अरब्स को, कि हम आपको एक नया राष्ट्र देंगे। तो अब ये बात चल रही है, आप समझ के चलिए, वही विश्व युद्ध के समय की, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें। फिर बीच में एक थोड़ा सा ललिंद बैटल आता है, इसी बीच में क्या होता है, यहूदियों का पूरी वहां जर्मनी, स्पेशली जर्मनी की बात कर रहे हैं, फिर पूरा एक वो नाजी वो एम्पायर, और फिर यहां सब क्या होता है, इनका नरसंहार होता है। तो यहूदियों को समझ में आ जाता है, क्योंकि हाँ उसी वॉर के बाद पूरा का पूरा एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, जहां पर यह निर्धारित होता है कि हमें, मतलब यहूदियों को भी एक राष्ट्र चाहिए, या एक स्टेट चाहिए, एक ऐसी जगह जहां पर यहूदी जाकर रह सके, ठीक है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो यह समझ में आ गया कि किसने लालच दिया, अंग्रेजों ने लालच दिया। उनका तो आपको पता है दगाबाजी, हमसे अच्छा, हिंदुस्तानियों से अच्छा कौन समझेगा, एक नंबर के मक्कार गद्दार लोग, ठीक है, दगाबाज लोग। अब उसके बाद आगे युद्ध समाप्त होता है, अब बोलते हैं भाई अरब से, बोलते हैं कि हमें दो, तो वो वहां पर एग्जिस्टेंस किसका आता है, वो जिस जगह की बात चल रही वो है पलेस्टीन, उस समय पलेस्टीन है। इसमें एक और थ्योरी है, इसमें कम से कम 700 किताबें लिखी गई हैं, जिस पे ये कहा जाता है कि अरब्स 895 के पहले नहीं थे, एक थ्योरी ये कहती है, ठीक है। उस समय ये कहते हैं कि पहले से यहूदी थे, तो एक थ्योरी, मैं आपको सब थ्योरीज बताता हूं। जैसे एक थ्योरी ये भी कह रही है, जो मॉडर्न थ्योरी है, कि मोसाद का फेलियर है, हाँ, तो उसके पहले ना आपको फिर 1972-73 का आपको फिर वहां पर म्यूनिक का हमला पड़ना पड़ेगा, जब अरब्स ने, तो मैं बताता हूं आपको, आपके लिए ज्ञान है, निर्णय आपका है, बुद्धि आपकी है, राष्ट्र आपका है, परिवार आपका है, ठीक है, अगर आप मानते हैं तो। मैं तो मानता हूं, मेरे लिए मातृभूमि है इसलिए, और अगर मुझे, मैंने जो फेवर दिया है, पहले भी जो मैंने वीडियो में कहा था वो ये था, मैं हमास के आतंकवादियों के खिलाफ जो गाजा पर एक्शन हो रहा है इसराइल का, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को जानने वाला हूं, मुझे पता है कि भारत ने समर्थन सबसे पहले किया था, भारत ने सबसे पहले समर्थन किया था किसका, पैलेस्टाइन का, उसके बाद फिर इसराइल का भी क्या बैलेंस करके चला है भारत, है ना, लेकिन सबसे पहले किसका किया था, तो वो भी एक है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी अलग आती है, बहुत सारी चीजें। तो अब आ जाते हैं वर्ल्ड वॉर टू, आ गई समझ लीजिए। अब जब वर्ल्ड वॉर टू शुरुआत होती है, तो एक और नया सेम उन्हीं अंग्रेजों ने लालच किसको दिया था, ऑटोमन एम्पायर हार गई। अब ऑटोमन एम्पायर जब हारी, उसके बाद एक, अब क्या हो गया, अब हो गया पैलेस्टाइन अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब अब राज किसका चल रहा है, जो ऑटोमन से ले लिया अरब्स को, अब अरब्स को बोला कि चलो ये पैलेस्टाइन आपका। लेकिन एक पीछे एक और वादा करके रखा था, वो वादा किसको करा था, वो वादा किया था उन यहूदियों को जो चारों तरफ से उस पूरे मूवमेंट से जुड़ के यहां तक आ चुके थे, ठीक है। अब जब ये मूवमेंट आ गए, अब ये कहां जाएंगे, आपने वादा दोनों को कर दिया, जो अंग्रेजों का पुराना नियम होता था, फूट डालो राज करो, या फिर किसी की भी जमीन किसी को भी दे दो, दोनों के साथ सेम साइन कर देते थे, है ना।
उनने ताजमहल भी 30 लोगों को बेच दिया, उनने जो थे वो शिवालय भी बहुत सारे जो थे वो बेच दिए, मतलब जानते हो उस समय फिर मुगलों का भारत पे एक अलग एंगल चल रहा था। लेकिन हम में और इसराइल में दो चीजें बड़ी कॉमन है, पैलेस्टाइन में पूरा का पूरा इस रीजन में आईपी इंडिया पाकिस्तान और इसराइल पैलेस्टीन, ये दोनों के दोनों जो क्रिएट किए गए हैं वो कैसे किए क्रिएट किए गए, अब इन्हें समझ में आ गया। अब इसमें एक और आ जाता है चीचा, याद है पुराने वाले चीचा जिनने चिच्चा ने लफड़ा किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में भी चच्चा है ना संयुक्त राष्ट्र। अब संयुक्त राष्ट्र चच्चा आते हैं तो चच्चा ये बोलते हैं कि काम करो 1947 से नवंबर की बात है, 28 से 29 नवंबर की बात है, और 1947 में ये बोलते हैं कि यार आप छोड़ो मैं हम नियंत्रण करेंगे और हम बंटवारा करेंगे। तो अब ये कब क्या बात हो गई कि जो लैंड पैलेस्टीनियंस को जो ऑटोमन एम्पायर से चला आ रहा था अंग्रेजों ने ये कहा कि अब एक काम करते हैं क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है तीन मेन जो है संप्रदायों के इतने बड़े बड़े जहां पर मक्का मदीना के बाद जो सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अलास्का मस्जिद जो है वो वहां पर है, फिर इसके बाद ज्यूज का एक अपने क्योंकि वहां पर सबसे प्रथम उनकी जहां पर कहते हैं कि शुरुआत से लेके वो भी चीज हुई है, मतलब हम डेविड से ऊपर जो सोल की बात करते हैं डेविड की बात करते हैं सोलोमन की बात करते हैं वहां पर जो उनका झंडा है ना वो किंग डेविड की शील्ड है तो वो करते हैं। अगर हिंदुस्तान की तरफ से देखो भद्रक कवच में बिल्कुल सेम आकार बनता है महाकाल का जो इसराइल का झंडा, मैंने उसकी बात की। अब यहां पर क्या होता है एक सबसे बड़ी गलती होती है इतिहास की और वो गलती क्या होती है वायलेंस के थ्रू कोशिश की जाती है कि इस पर नियंत्रण किया जाए। तो पैलेस्टीनियन जो थे जो फिलिस्तीनी थे उनने नकार दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। इसराइलियों ने कहा ठीक है भाई हमें जमीन मिल रही है कितना हिस्सा 48% 42% और 10% जिसका पूरा का पूरा सर्कस है वो 10% जो है वो अंग वो कौन कहता है चिच्चा कहते हैं चच्चा कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के काम करो हम रख लेते हैं इसको हम इसको नियंत्रण करेंगे इंटरनेशनल जोन कहलाएगा कौन सा जिसे जेरूसलम कहा जाता है। अब जेरूसलम में यही तीन जो धार्मिक सबसे बड़े स्थल हैं जो प्रेयर्स हैं जो अब इसमें क्या जुड़ गया जेरूसलम के अलावा बाकी जगह पे क्या नहीं जुड़ा था धर्म नहीं जुड़ा था यहां क्या जुड़ गया धर्म तो अब सबके लिए महत्वपूर्ण भी हो गया। अब यहां पर युद्ध होता है अब कि जैसे ही इसराइल अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है 1948 में इसराइल अपने आप को बोलता है कि ठीक है भाई हम यहूदी बोलते हैं ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं हम इतने इतने एरिया में रहेंगे अब आप बताइए कि इसको हम कैसे आगे बढ़ते हैं। यहां पर अरब्स क्या करते हैं अरब्स इसको मानते नहीं है और पूरे के पूरे देश मिलके आजू बाजू के जितने देश हैं मैं आपको नाम डिटेल ये सब मैं नहीं जाना चाहता मैं आपको एक कहानी के तौर पर आप समझ लीजिए मैं ये वीडियो उस बच्चे के लिए कर रहा हूं जिसकी उम्र हो सकती है आज की डेट में 18 साल हो 14 साल हो 13 साल हो आगे आप अपना निर्णय ले पाए कि आपको किसको समर्थन करना किसका विरोध करना है और क्यों आपस में लड़े पड़े हो इंटरनेट पे वो भी आपको ध्यान रखना है। लड़िए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग जैसे हमें भी धमकी देते देखो बेटा बहुत प्यार से सलाह है बहुत पारिवारिक सलाह है आपके लिए काम करो मेरा बैकग्राउंड प्लीज पता कर लेना इससे पहले ना आप कोई धमकी हमकी खेलते हो हम बिल्कुल जवाब नहीं देते आपने देखा हम बिल्कुल जवाब नहीं देते क्यों नहीं यार रहने दो मत करो क्योंकि क्या है ना बहुत सरल है हमारे लिए कोई चीज मतलब रहने देते हैं आपको अपना समझते हैं इसलिए कोई उसका जवाब भी नहीं देते छोड़ते सोचते हैं यार घर के छोड़ो यार कल समझ जाओगे लेकिन मेरा बैकग्राउंड इससे पहले कोई निर्णय कुछ सोचते हो ना मैंने तो जगहें लिख दी मैं जहां जहां घूमने जा रहा हूं मैं जहां जहां रहूंगा किस तारीख को नवरात्रि के पहले दिन कहां रहूंगा दूसरे दिन कहां पर रहूंगा औकात हो तो मिल लेना और जब जहां जैसे जो उखाड़ते बने मैं 100 बार बोल चुका हूं कोई नहीं मेरा जो भी निर्धारित करेगी वो महाकाली और महाकाल करेंगे आपकी औकात के बहुत बार है। अब आते हैं वापस टॉपिक ठीक है तो मैंने अपना मैसेज दे दिया। अब जब अरब्स ने इसका रास्ता चुना तो उन्होंने क्या किया हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। अब जब पहली बार यह हमला होता है इसराइल की लड़ाई किस बात की थी इसराइल की लड़ाई क्या थी यहूदियों की यह थी कि हमें जमीन की छोड़ दीजिए हमारे पास दुनिया में कोई जगह नहीं क्योंकि उनके वैसे ही जो है करोड़ों लोगों की हत्या हो चुकी थी नरसंहार हुआ था उनके खिलाफ तो उनके लिए क्या था कि वो बहुत बुरा देख चुके थे। और अरब्स के लिए क्या हो गया था यहां पर पूरा का पूरा अंग्रेजों ने क्योंकि अंग्रेजों ने वादा कर दिया था कि हम तुम्हारे साथ अंग्रेज यहां पर हाथ खड़े करके भाग जाते हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ भी किया। अब यहां पर क्या होता है जो चच्चा है संयुक्त राष्ट्र की जो चच्चा है चच्चा बोलते हैं चलो भैया हम करेंगे चच्चा को समझ में आ जाता है कि भाई यहां से अपन भी निकलते हैं इनको देखते हैं हमने अपनी बॉर्डर खींच दी लड़ने मर रहे दो। फिर क्या होता है इसराइल एक अपना जो उसका हिस्सा था वो उससे आगे बढ़ जाता है उस पर कब्जा कर लेता है कैसे कब्जा कर लेता है मतलब वो जीत लेता है युद्ध में कब्जा नहीं होता जीता जाता है ठीक है। अरब्स ने क्या सोचा था इनको मार देंगे अब वो हार जाते हैं। इसके बाद ये चलते 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 आता है फिर 60 में फिर एक युद्ध होता है। अब जब ये 60 वाला युद्ध होता है तो बेसिकली बहुत सारी ये तो चलते ही रहते हैं पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर है फिर कभी ये फिर वो लेकिन यहां फिर बहुत सारे ये अकॉर्ड साइन होते हैं वो पीस अकॉर्ड साइन होते हैं बहुत सारी दुनिया के लोग आ जाते हैं अमेरिका कूद देगा क्योंकि बनी बात है आपको युद्ध लग रहा है लेकिन
बाकी जो लोग हैं जो समझते हैं उनके लिए धंधा है, क्योंकि इससे बढ़िया तो मार्केट कुछ है नहीं, धंधे का समय है ना, हथियार बॉम्ब ये सब क्या, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी किस पे चलती है, ध्यान रखना, वो भी कभी पढ़ लीजिएगा, वो भी एक थ्योरी है। तो मैं आपको सब थ्योरी बता रहा हूँ, बाकी आपकी बुद्धि है। अब क्या होता है, इसी बीच में 1972 में म्यूनिक में ओलंपिक के समय वहां पर कुछ जो अरब्स होते हैं वो लड़के जाते हैं और एक अपार्टमेंट के ऊपर हमला कर देते हैं, जहां पर वो यहूदियों को मार डालते हैं। ठीक है, वो चलता है। फिर उसके बाद मोसाद का जो मेन एग्जिस्टेंस, जहां से एक बहुत बड़ी चीज होती है, वहां पर जाके मोसाद ऑपरेशंस करते हैं। मोसाद के जो असेट्स होती हैं, जो बहुत सारी चीज है, वो जाकर क्या करते हैं, पूरे दुनिया भर में जहां जहां जो जो लोग उसके जिम्मेदार थे मोसाद ऑपरेशन। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोसाद को नहीं पता था, मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं इस पर और स्टडी करके फिर कभी और इस पर बात करेंगे, आप भी पढ़ लीजिएगा। जिनको 72 में जाके उनके घरों में घुस के मारा, ठीक है, तो मोसाद समझ सकते हो आप किस लेवल की एजेंसी होगी। मैं अभी भी उनको नंबर वन बोलता हूँ। देर आर मेनी रीजंस, थ्योरीज तो बहुत सारी फ्लोट होती है ना, थ्योरी तो भारत में पुलवामा की भी बहुत सारी है, थ्योरी तो पठानकोट की भी बहुत सारी है, उरी हमले की भी बहुत सारी है, ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज है और सबको कहने का अधिकार है, कोई कुछ भी कह सकता है। मुंह दिया है, जिसको भोजन करना है भोजन, वरना जो गुड़गोबर वाले लोग हैं वो हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, मजे लिए इंजॉय किए, दैट इज योर चॉइस। अब इसके बाद क्या होता है, फिर से एक युद्ध जो है होता है। अब इस बार जो होता है ना, सिक्स डेज वॉर कहते हैं, आप लिख के देख लीजिएगा, इसराइल अरब्स नॉट पैलेस्टाइन, पूरे सभी देश इकट्ठे मिलते हैं, उसके बाद बैकिंग उनकी अलग होती है। फिर इसी बीच में फिर थोड़े सालों बाद क्या होता है, थोड़े सालों बाद ये होता है कि ओबामा साहब जाते हैं, ओबामा साहब अमरीका जाते हैं, उनको अच्छा बनना था दुनिया भर के लिए, तो ओबामा साहब क्या करते हैं, ओबामा ने यह किया कि एक रास्ता खोल दिया जहां से, देखो समझना पड़ेगा, इसी बीच में क्या हो गया है, अभी आप ये समझो कि गाजा जीत लिया, वेस्ट बैंक जीत लिया, ठीक है, पेनिनसुला वहां से वो जीत लिया, तो ये सब जीतने के बाद इसराइल ने जीत लिया, लेकिन सब जब बीच में आए तो उनने क्या किया, बहुत सारी चीजें, एक नई ट्रीटी साइन की, बहुत सारी चीजें उनको दे दी वापस की, चलो भाई कोई बात नहीं हम दे देते हैं। अब यहां लेकिन हर बार जब जब युद्ध हुआ है तब तब याद रखना, जमीन इनकी जीती गई है, मतलब हमला करके वो छीन ली गई है, जीती गई है, वो आपका मर्जी है जो आप करें युद्ध में। अब आप उसको जीत बोले, छीनना बोले, या उसको ऑपरेशन टैक्टिक्स बोले, वो आपकी मर्जी है। अब इसके बाद आते हैं एक बहुत बड़ा पॉइंट जो आता है, वो पॉइंट ये है कि पूरा जो सर्कस चल रहा है इस बीच में पूरी दुनिया मजे ले रही है, और इसराइल ने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया, इसराइल ने अपने लोगों पर काम किया, पूरी दुनिया में आज आप कुछ भी कर लें, 81-82 लाख लोग हैं आज, अगर हम बात करें तो पूरे मिला के बाहर भी जो होंगे तो 90-92 लाख इसकी पॉपुलेशन है। इतनी सी पॉपुलेशन पूरी दुनिया पे कैसे लीड कर सकती है, टेक्नोलॉजी में, वेपन्स में, मनी में, बेसिकली। तो ये होता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहां पर अब ये कॉन्फ्लिक्ट, देखो आपको लग रहा होगा लंबा वीडियो, क्योंकि अगर 500,000 साल का इतिहास जो है, पहली बात तो मैं 1-1.5 घंटे से 3 घंटे इस पे अपन ईयर वाइज भी बात कर सकते हैं, अकॉर्ड वाइज भी बात कर सकते हैं, साइन वाइज भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना है वर्तमान क्यों है, आज ऐसा क्यों हो रहा है, उसका इतिहास क्या है। इतिहास जब तक आप नहीं जानेंगे ना, आप भटके रहेंगे, आपको गुमराह किया जाएगा। यही तो हमेशा से करते आए अंग्रेज, इसमें माहिर थे, इसी को मेथड ऑफ डिसीट बोलते हैं, है ना। अब क्या हुआ, यहां तक हम लोग आ जाते हैं, इसके आगे चलते हैं। अभी बीच में एक फिर से बवाल हुआ था 3 साल पहले, याद है आपको, फिर से एक बवाल हुआ था। वो क्या था कि 100 साल पहले की जमीन का एक मुद्दा था, तो बहुत सारी चीजें। अब मैं आता हूं भारत, दो चीजें समझना पड़ेगी आपको, वर्तमान के इसराइल और इसका जो क्या है, और भारत कैसे इंपॉर्टेंट है इस समय, और हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके भी दो थ्योरी है। पहली थ्योरी यह कहती है कि भारत समर्थन कर रहा है। हाँ, भारत समर्थन कर रहा है, किस बात के लिए समर्थन कर रहा है, भारत ने क्या क्या कहा, पहले आपको इतिहास समझना पड़ेगा। पहले अगर आप बिल्कुल आजादी के बाद की बात करते हैं, उस समय नेहरू जी की बात करें, तब भी संसद में यह बात उठी थी, है ना। उसके बाद आप बहुत आगे चले आए, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बात करें, उनने कहा था कि भाई जो अरब्स की अगर जमीन है, संयुक्त राष्ट्र अगर कोई डिफाइन कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक एक्शन लेना चाहिए। मतलब ये इसको पीसफुल, हमेशा कहा गया कि इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाना चाहिए। तो अटल जी ने भी कहा, सुषमा जी ने भी कहा, ये बात तो मनमोहन सिंह साहब ने भी कही। तो मैं ये अगर बात करता हूं कि मैं डायरेक्ट कोई निर्णय ले रहा हूं, नहीं, ये बहुत क्लियर है। एक जिनने कहा, पलिस्तीन की तरफ से ये कहा कि पलिस्तीन की अगर फिलिस्तीनियों की जमीन को किसी ने भी हड़पा है, मतलब जहां आप जी उसकी बात करें, तो उसको पीस जो है शांतिपूर्ण तरीके से उसका निदान होना चाहिए, और इसके बाद बैठकर वार्तालाप होना चाहिए। युद्ध किसी का भी सॉल्यूशन नहीं है, हर बार कहा गया, ठीक है। तो भारत का पुराना स्टैंड है, आज का स्टैंड क्या है, भारत इसराइल समर्थन कर रहा है हमास आतंकवादी संगठन के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है इसराइल की तरफ से, IDF इसराइली स्पेशल फोर्सेस और इसराइली डिफेंस फोर्सेस की तरफ, बिल्कुल जस्टिफाइड है, समझ गए। लेकिन
फलस्तीनी मासूमों का उसमें ना जो हत्या होना या उसमें जान जाना, चाहे फलस्तीनी हो चाहे इसराइली हो, जो इसराइलियों के साथ किया है अभी, वो क्या था, 250 लोगों को मार दिया गया। तो इस पे गुस्सा है मेरा, लेकिन वो ये है कि हमास का जवाब मिलिट्री एक्शन से दिया जाएगा और फलस्तीनियों का जो है वो जो जिसको कहते हैं बैठकर बात के अंतरराष्ट्रीय चीचा कुछ नहीं करेंगे, संयुक्त राष्ट्रीय बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और फलस्तीनियों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए ये मैसेज है कि भाई आप लोग कृपा करो, आपकी लाइट बिजली सब कंट्रोल में इनके, अगर आप हमास को समर्थन करते रहेंगे। और बहुत सारे लोग, एक नई थ्योरी आ गई, वो कहते हैं कि आजादी की लड़ाई है। कैसे आजादी की लड़ाई है, तो अंग्रेजों से लड़ो ना फिर, फंसा के कौन गया है। आज जैसे मैं कहता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच का सबसे बड़ा नाटक किसका था, वो जो चच्चा, दो चच्चा थे, उन दोनों ने फंसा के गए हैं, उसमें से एक संयुक्त राष्ट्र, दूसरे वाले को आप समझ लेना। अब यहां पर एक और पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। अब जो ये सोशल मीडिया पर युद्ध चालू है, यहां पर बैठ के आप समर्थन कर रहे हो, समझ तो लो यार। पहले एक तो पहले तो उनका इंटरनल है, दूसरी यहां पर भारत में तो 100 इंसिडेंट हो गए होंगे, मीडिया भी कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि यूक्रेन वॉर अभी पुरानी हो गई, अब तो ये नया मसाला मिल गया, अभी चलेगा आराम से, ठीक है। और एक ही लाइन को 10 बार सुनाते हैं, तो मैं इसीलिए दूर रहता हूं, है ना। अब एक और पॉइंट इसमें है कि अब आपको देखना है कि मीडिया के अलावा आप इंटरनेट पर सर्च तो करो भाई, सर्च कर लीजिए क्या संधि है कैसा है। अब इसमें एक और ये आता है कि अरब्स जो है, अरब्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है। यार एक बात बताइए आप, शुरुआत जहां से उसको समझिए, अरब्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है और वो दोनों तरफ से, आप समझिए दोनों ने क्या क्या किया इतिहास में। सीधी सी बात है, आप मारोगे तो आप पिटोगे, आप पिटोगे तो मारोगे, वो जो है टिट फॉर टैट चल रहा है। अब छठवां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो पॉइंट ये है जो आपको समझना बहुत जरूरी है, भारत के भीतर बैठे हुए जो समर्थक हैं, किसके, फिलिस्तीन के जो समर्थक हैं। मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूं, फिलिस्तीन में अगर मासूमों की मृत्यु होती है तो मैं उसका कभी साथ नहीं दूंगा, और अगर इसराइल में होता है तो भी नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में मैं कभी समर्थन नहीं कर सकता हूं। और इसी के समय जो लोग किसी आतंकवादी संगठन का समर्थन कर रहे हैं, आपको फिर से एक बात कहूंगा, समझो पहले, कहीं आप शिकार तो नहीं हो रहे राजनीति के, ये भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आतंकवाद जो है ना, किसी का सगा नहीं है, बॉम्ब जब गिरेगा ना किसी का घर नहीं देखता है। हिंदुस्तान में बैठे हमने भी बहुत झेला है ना। तो आप सोचो, अगर आज आप समर्थन करो कल आपके इधर ही होगा तो आप चुप बैठोगे, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा एक बड़ी अच्छी कहानी, मैंने तो चिल्लाया सिर्फ इतना सा बोला था कि मैंने तो ये बोला कि जो लोग हमास का समर्थन कर रहे हैं, पलिस्तीन और हमास को अलग अलग रखो, इसमें ही लोग बड़े पगला गए। देखो हमें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल प्रेम से समझा दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तुम साले सब मिलके हमारा कुछ उखाड़ सकते हो, है ना, इतने साल से बैठे हो। और सुनो, हम जिसको मानने वाले ना, मेरी मृत्यु निर्धारित करने वाली भगवती और महाकाल है, इंसान की इतनी औकात नहीं है, ठीक है, मैं अपना, मुझे पता है। और जो मैं बात करूं, पहले रिसर्च करो, समझो, बेवकूफ के जैसे लगे और कुछ भी बोलने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए समझिए मुद्दे को, और जो भारत में बैठकर समर्थन करें, पहले भारत की समस्याओं से निपट लें। कभी भारत की समस्याओं पे तो इतने इकट्ठे नहीं हुए, और तुम्हें जो भारत के अंदर समस्याएं हैं उस पर तो कभी इकट्ठे नहीं हुए। वहां पर एक SDM को, क्योंकि उसने गांव में नल लगवा दिए गए, उसको पोस्टिंग आ जाती है। कुछ ईमानदार अधिकारियों के ऊपर अत्याचार हो जाता है, उस पर कोई नहीं बोलता। बैंक का पूरे हमेशा सर्वर डाउन रहता है, लोग बैठ के गेम खेलते रहे, उस पर आप इकट्ठे नहीं होते। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब आपस में गल लड़ते हैं तो गलत कौन सही कहे नहीं, धर्म देखकर आप लड़ने लगते हो, तब आपको कुछ नहीं। ध्यान रखो, मेरे लिए सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र आता है, मेरी भारत माँ आती है और हमेशा रहेंगी। अब आप निर्धारित करें किसके लिए क्या पहले आता है। मेरे लिए बहुत क्लियर है, और जितने लोग मुझे अच्छे से जानते हैं, मेरे लिए हमेशा मेरा राष्ट्र रहेगा। क्योंकि मेरे राष्ट्र के अंदर इतना कचरा फैल चुका है, इसलिए मुझे इतना डिटेल वीडियो, फिर हम भी नहीं है बे, और ना किसी के बाप के नौकर हैं हम, समझ में आ गया। हमने अपने खुद के बाप से कुछ नहीं लिया, अपने पिताजी से कुछ लिया, जो बनाए खुद की दम पे बनाए, तो हम किसी के बाप के नौकर नहीं है। लेकिन इसलिए अपना मानते चाहते हैं कि आपको गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, थोड़ा रिसर्च करें, समझे, और भारत के अंदर का माहौल गंदा ना करें। समर्थन करना, अब इसके दो तीन चीजें जो बहुत भयंकर चीटा काटेगा, मैं इसको प्यारा रखना चाहता था वीडियो को समझाने वाला। तो आज की वर्तमान स्थिति यह है, हमास के खिलाफ इसराइल का एक्शन चालू है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं युद्ध से कुछ किसी को कोई हासिल नहीं होगा। और जब तक फलिस्तीनी हमास का समर्थन करते रहेंगे और पूरी दुनिया के लोग जब तक हमास का समर्थन करते रहेंगे, इसका मतलब यह है। अच्छा एक बात बताइए, आप चोर के साथ खड़े थे तो चोरी कहलाओगे ना, आप अच्छे इंसान के साथ रहते हो तो अच्छे स्कूल में जाते तो लोग बोलते हैं अच्छा बच्चा होगा, है ना, अच्छे लोगों की संगति। अब आप देखो आप किसकी संगति कर रहे हो, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करें, मेरे राष्ट्र को बख्श दें,
मेरे भारत के अंदर का माहौल बर्बाद ना करें। अंग्रेजों ने दो इंडिया पाकिस्तान किया था और एक इंडिया वहां पर इसराइल पैलेस्टीन किया था। समझो थोड़ी स्थितियों को, हमारा स्टैंड क्लियर है। मैं अपने व्यक्तिगत स्टैंड की बात कर रहा हूं, रिसर्च के जितनी चीजें हैं आपको डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करिएगा। इसके बाद मुझे इसराइल और इस वाले मैटर पे टच ना करें मेरे कमेंट्स में। वैसे आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहें करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बोलने का अधिकार है। मैं चाहता हूं आप 100 कमेंट करें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने क्लियर कर दिया। अब समझ में आ गया क्या क्या था। पहले शुरू करो, फिर पढ़ो ऑटोमन एम्पायर के बारे में, ऑटोमन एम्पायर के बाद क्या है विश्व युद्ध वन पढ़ो, फिर अंग्रेजों का चूर्ण पढ़ो, फिर विश्व युद्ध दो पढ़ो, फिर जो यहूदियों के खिलाफ पूरी दुनिया में हुआ वो पढ़ो, फिर उसके बाद क्या पढ़ो, आ गया कि उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, कब कब अरब लोगों ने मिलकर हमला किया, मतलब जंग की, युद्ध किया, फिर कब कब इसराइल ने उसका जवाब दिया, कब कौन जीता, फिर इसराइल ने कैसे कब्जा किया, फिर जब कहा गया पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आई, इसराइल ने वापस कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अभी की जो वर्तमान स्थिति की, जब जब ये टेंशन बढ़ती रहेगी, देखो तीन चीजें बढ़ेंगी इससे, नंबर एक हथियारों का व्यापार, नंबर दो पूरी दुनिया में ये पूरा माहौल बनना, सबकी असुरक्षा का माहौल बनना, सबकी लड़ाइयां चलती रहेंगी, और तीसरा सब बकैती बढ़ जाएगी और मीडिया वालों की टीआरपी बढ़ती रहेगी। आप ये देखिए कि इस पूरे मुद्दे से आपको क्या फर्क पड़ता है। जैसे मुझे क्यों फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे देश के अंदर का माहौल बर्बाद हो रहा है, इसलिए मुझे फर्क पड़ता है। मैंने अपनी साइड क्लियर कर दी। मैं इसराइल के उस हमले जो वो मार रहे हैं, मतलब जो क्या कर रहे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं हमास के ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर, दुनिया के कहीं भी आतंकवादियों के ऊपर करें, मेरी तरफ से मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन पैलेस्टाइन को, जैसे मेरे पुराने भारत राष्ट्र ने बिल्कुल बैलेंस रखा है, पैलेस्टाइन इसराइल दोनों के साथ संबंध अच्छे थे, और पैलेस्टीन के अंदर अगर कोई मासूम, इसीलिए आज संयुक्त राष्ट्र को यह कह दिया गया है, इसराइल ने क्लियर कह दिया कि अगर आप हमास पे हमला करते हैं गाजा की इस पट्टी पे, तो आप ध्यान रखिए कि गाजा कैसा फंसा हुआ है, एक साइड समंदर है, इजिप्ट ने जो इनको बड़ा दोस्त मानता था उसने मना कर दिया एंट्री, यहां आ नहीं सकते, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए ये खत्म करें जल्दी जल्दी, जो लोग आपने उठाए हैं वो दें, जो यहां से पीस कीपिंग इसकी बात हो, मुझे लगता है जल्दी शांत होना चाहिए। बाकी अगर आप डिबेट्स के मजे ले रहे हैं, जिसका कोई निदान नहीं होता, अगर आप बैठकर मजे ले रहे हैं सेम चीज को 100 बार देखने का, तो आप लीजिए, लेकिन भारत के अंदर की समस्याओं के ऊपर भी कभी बात उठाइए, जो मैं दूसरे वीडियोस में करता हूं, देखता हूं वो वाले वीडियो जो छोटे होते हैं, किसी के बारे में बुरा बोलना होता है, गाली गलौज करता हूं, तो तुरंत वायरल होता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा। हम अपने लोगों से बात करें, जो आप मेरे परिवार के हैं, मेरे लिए मेरा राष्ट्र का हर व्यक्ति मेरे परिवार का है, जब तक वो भारत के खिलाफ नहीं खड़ा होता है, और जिस दिन खड़ा होगा, आहा, थोड़ा बहुत मेरे बारे में थोड़ा सा ना पता कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत।